400 नहीं होगा सर, सरकार तो बीजेपी की रहेगी। बीजेपी का कोई अब की बार नहीं है, बीजेपी की सरकार तो आएगी जी। अब इनके पास तो कोई ना कोई मंत्र है ना, जब तो 400 पार ला रहे। जो आज का जो माहौल है इंडिया गठबंधन का, जेल भेजना और आना वो इफेक्ट करेगा। अब की बार 400 बार ना कि क्षमता आसबे इंडिया सरकार। बेकारत्व मुद्रास्फीति सह नाना इस्यूते गोटा देश बक्सबंदी करछे निजेदेर उत्तर। केजरीवालेर जेले जावा, अंतर्वर्ती जामिने बाइरे थाका कतटा प्रभाव फेलबे दिल्लीर 7 केंद्रेर निर्वाचन, सेई प्रश्नेर उत्तरई खुंजते बेरिये पड़ेछे संबाद प्रतिदिन डट इन। चलुन आपनादेर निये जाई राजधानीर राजपथेर नाना दिके। सरकार तो बीजेपी की रहेगी, मगर जितना ये सोच रहे हैं उतना नहीं है। और ये भी इफेक्ट है कि इस बार अगर खड़े नहीं उतरे तो हो सकता है कि जो 400 का नारा लग रहा है अगर 250 मिल रहा है तो अगली बार शायद 25 पे ही रह जाए। वो कूलर तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए सिर्फ केजरीवाल है दिल्ली के लिए। इस बार सर दिल्ली में तो केजरीवाल को ही हम लोग वोट करते हैं। धरातल पे वो पब्लिक से कोई नहीं पूछते हैं, पब्लिक से पूछे तब पता चलेगा कि 400 है या 250 है या 300 है। अपने मन से तो हम 500 भी कह देंगे, आधे आध चलेंगे, 250 या 150, 400 नहीं होगा सर। अब की बार सरकार तो बीजेपी की बनेगी डेफिनेटली, ये तो इतना तो पक्का है, कंफर्म है। मेरे को ये लगता है कि ये बीजेपी आनी चाहिए, कांग्रेस को कोई काम नहीं रहता यहाँ पे, कांग्रेस कोई काम नहीं करती, बीजेपी ही ज्यादा आगे जाती है। अगर मैं वोट दूंगा तो मैं आपको ही दूंगा, मैं चाहूंगा कि आप सरकार आए, क्योंकि जो केजरीवाल है उसने काफी हेल्प की है। हमको लग रहा है 400 के पार नहीं होगा, 300 के पार जरूर जाएगा। हाँ, बीजेपी की ही सरकार आएगी, केजरीवाल हैं घोटाले में तो आए। सर रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन जितने गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोदी जी ने जो काम किए हैं ना, उसमें सेंटर के अंदर मोदी बीजेपी सरकार पूरी आएगी और बहुमत से आएगी। पब्लिसिटी उल्टी केजरीवाल जी की बढ़ी है, और हो सकता है कि केजरीवाल जी की जितनी भी सीटें थी उसमें बढ़ोतरी होगी केजरीवाल जी के लिए, एक दो सीटें और बढ़ जाएंगी केजरीवाल जी की। और एक्चुअली मैं तो इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं करता, मतलब हमारे कॉलेज वगैरह चल रहे तो इन सब पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मोदी केजरीवाल में से पॉपुलर तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी ही हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, तो फिर उनका ज़्यादा दबदबा है ना। जनता स्थायी करेगी, रोजी रोटी चाहिए, प्लांट चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, और क्या चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है शंका। बीजेपी की सरकार तो आएगी जी, लेकिन अब कुछ सीटें तो इधर उधर होगी, और दिल्ली के लिए तो है ही है, केजरीवाल जी आए हैं तो कुछ ना कुछ अंतर तो रहेगा, 2-3 सीटें आ जाएगी उसकी भी, बीजेपी की भी। यहाँ तो पूरा नहीं रहेगी, 1-2 सीटें तो गड़बड़ होगी बीजेपी की। तो आपको लगता है कि केजरीवाल का इफेक्ट कुछ आने वाला है? हाँ, थोड़ा बहुत तो आएगा जरूर। ये सेंट्रल का इलेक्शन है, लोग इसको इसमें मोदी जी को ही देख के वोट करते हैं सर। सिंपैथी वोट मिलने वाला है ना उनके, उस पर अगर उनके काम पे मिलना होगा तो जो मिलना होगा उनको मिल ही जाएगा सर, जो नहीं मिलना होगा तो वो मोदी जी को देख के मिल जाएगा उनको वोट। बीजेपी का कोई अब की बार नहीं है, अभी पूरा उठाएंगे उसको, क्योंकि लोग तो इतना गुस्से में है, इतना मतलब ऐसे लाइवली इश्यूज है, लोगों का प्राइस हाइक है, जॉब का इश्यूज है, अभी जैसे नौजवान को अभी बेरोजगार है, इनको काम नहीं मिल रहे हैं, और जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जैसे जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है सब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जैसे सर ने बोला है अभी एक डिक्टेटरशिप चल रहे हैं, जो विपक्ष में है उनका लीडर्स के, उनका परिवार के खिलाफ में ये इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, और उसमें कोई बेस नहीं है, और जो अभी ये चल रहे हैं वो सब एक डिक्टेटरशिप का एक मूव है, फिर वो बिल्कुल ये इलेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये क्या जानते हैं, पहले से ही लाएंगे 400 पार, ये कोई भगवान दो रहा है तो 400 पार, इनको पता है, ये तो सब जनता के हाथ में है ना। अब इनके पास तो कोई ना कोई मंत्र है ना, जब तो 400 पार हिला रहे, नहीं तो 400 पार कहाँ से लाएंगे। इंडिया गठबंधन का है, बहुत चांस है उसका
और ये कहीं खेला करके घुमा फिरा के बना लें तो ये तो इनके पास जादू हैगा। अब की बारी जो है उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। अब उसमें किसको कौन बनाता है उनका अपना कोई भी हिसाब किताब बना दें, मगर नेचुरल अगर ऑनेस्टी वे में अगर देखे जाए जो आज का जो माहौल है इंडिया गठबंधन का है। नहीं देखिए, दावे तो कोई भी कितने ही मार सकता है, वो देखिए हर किसी का अपना ह्यूमन राइट है। आप कितने भी दावे मार लो, 400 पार, 500 पार, 300 पार, बट रियलिटी ये है कि वो दावे मुझे नहीं लगता सच होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग बहुत बड़ा इशू है इस इलेक्शन का, जो कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो साइलेंट वोटिंग हो रही है, फ्री बिजली, फ्री पानी, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग या बिल्कुल लेवल पे रहने वाले लोग हैं वो इन्फ्लुएंस है केजरीवाल जी से। जेल भेजना और आना वो इफेक्ट करेगा बीजेपी। एज यू नो कॉमन मैन ऑफ इंडिया, वट एवर मोदी हैज़ डन इन द लास्ट 10 ईयर्स, ही डिजर्व इट। वट एवर विल हैपन आई कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, बट ही डिजर्व समथिंग, नो डाउट। অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে শেষ হাসি হাসবে কারা? আবার ফুটবে পদ্ম নাকি সরকার গড়বে ইন্ডিয়া? উত্তর মিলবে 4ঠা জুন, কিন্তু কি বলছেন দিল্লিবাসী? অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারি, তার জামিন, তার কোনো প্রভাব কি পড়বে 7টি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে? সেই উত্তরও খোঁজার চেষ্টা করলাম আমরা সংবাদ প্রতিদিন .in এর জন্য। সোমনাথ রায়, নয়াদিল্লি।